उत्तरकाशी को लेकर एक बड़ी जानकारी। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब से थोड़ी ही देर बाद सफलतापूर्वक पूरा होने के कगार पर। थोड़ी देर में मजदूरों के निकलने को लेकर जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टरों की टीम टनल के अंदर मौजूद है। टनल के अंदर मेडिकल टीम हाई अलर्ट पर हलचल होती हुई नजर आ रही है और ये तमाम चीजें इस बात का संकेत कि अब से कुछ ही देर बाद सफलतापूर्वक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने वाला है। और उम्मीदें जो कि बीते दिनों से लगातार चलती आ रही हैं, 16वां 17वां दिन इसी प्रकार बीता इसी हलचल में और अब 18वां दिन जिसमें आप ये देख रहे हैं कि मेडिकल टीम के तैनाती हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं टनल के मुख पर। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग देखेंगे मेडिकल टीम यहां पर हाई अलर्ट पर रखी गई है। 41 स्ट्रेचर्स के साथ एनडीआरएफ मौजूद है। ये चीजें इस बात का संकेत कि टनल के अंदर इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया गया है। किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी अगर होती है 41 मजदूरों में से तो वहां पर फौरन इलाज मुहैया करा सके इसकी पहले से व्यवस्था है। एम्बुलेंस टनल के अंदर भी भेजी गई है। खुदाई वाले 2 मजदूर टनल से बाहर निकाले गए हैं। आपको बताएं कि एनडीआरएफ के जवान भी टनल में ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम लाइव आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। किसी भी वक्त इस ऑपरेशन के पूरे होने की संभावना सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, जब 2 डॉक्टर सेंटर करते हैं टनल को, इमरजेंसी हॉस्पिटल का स्वरूप देने की कोशिश टनल के मुहाने पर, जिससे अंदर से जितने भी मजदूर निकाले जाएं इमरजेंसी में अगर जरूरत हो तो पहले से ही तैनाती हो सके। और ये श्रृंखला आप देखिए, एम्बुलेंस कितनी बड़ी संख्या में पहले से ही तैनात कर दी गई है। जैसे ही मजदूरों को निकाला जाएगा टनल के मुहाने से, सीधे एम्बुलेंस में पहुंचाकर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था। 41 स्ट्रेचर्स पहले से ही तैयार। ये तमाम गतिविधियां जो ये स्पष्ट करती हैं कि धीरे धीरे सफलता की ओर ये रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ रहा है। उत्तरकाशी से ये लाइव नजारा धीरे धीरे इस बात को बयां करता हुआ कि जो मेहनत एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें आर्मी कर रही थी इतने दिनों से, जिस बात का इंतजार मजदूरों के परिवारों को था, वो सक्सेसफुली होने वाला है। सफलतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, देश भर में इसी प्रकार की प्रार्थनाएं। खुद प्रधानमंत्री की तरफ से मॉनिटरिंग, उत्तराखंड की सरकार लगातार मॉनिटर कर रही है। और बड़ी बात यह कि अब से कुछ ही देर बाद वो खास तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जब 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। हर एक मूवमेंट पर नजर और उसी के चलते ये लाइव तस्वीरें उत्तरकाशी से हम आप तक सीधे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हलचल बढ़ती हुई नजर आती है और ये स्पष्ट भी कर रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, 41 मजदूरों को बचा लिया जाएगा। बड़ी बात यह भी कि स्वास्थ्य पर निगरानी की बहुत बड़ी व्यवस्था यहां पर की गई है। 41 एम्बुलेंसेस बुलाई गई हैं, स्ट्रेचर्स तैयार कर दिए गए हैं। जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा फौरन अस्पताल की ओर रुख करेंगे। थोड़ी ही देर में टनल में आपको वो सुगबुहाट नजर आएगी। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था जो छोटे छोटे होम स्टे हैं या होटल से वहां पर की गई है, लेकिन अब आगे उनके लिए क्योंकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि 24 घंटे से बिना सोए वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इस ऑपरेशन के बाद उन्हें भी तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से आपको इस बारे में भी जानकारी दे रहे थे कि जो तमाम अधिकारी और तमाम जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, उनके लिए भी खास तरह की व्यवस्था, क्योंकि लगातार निरंतर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो इसका भी ख्याल प्रशासनिक स्तर पर रखा जा रहा है। उत्तराखंड की तस्वीरें, उत्तरकाशी की तस्वीरें जो कि बहुत लंबे समय से अवेटेड रही हैं, इन्हीं तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था। थोड़ी देर में मजदूर निकलने वाले हैं, ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई, क्योंकि परिजन दूसरी तरफ दम तोड़ रहे थे। आपके सामने प्रत्यक्ष हम कृपा प्रमाण हो गए ना, भगवान की कृपा हो गई, आपसे भी बंदों की बहुत बहुत कृपा हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है, अब किसी भी वक्त मजदूर जो है वो बाहर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पाइप रेस्क्यू पाइप जलने का पूरा काम हो चुका है, अब किसी भी वक्त मजदूर जो है वो बाहर आएंगे। वो उतना ही समय लगेगा जितना एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को ऑपरेट करने में लगेगा, एक एक शख्स को बाहर लाने में लगेगा, केवल वो समय है। फिलहाल यहां से पुष्कर सिंह धामी नीचे की तरफ गए हैं, ये वो जगह इस टनल की जहां पर हाई लेवल मीटिंग्स होती है। यहां पर ही जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आए थे वो यहां पर थे, एमओएस हाईवे के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के वीके सिंह, जिनकी लगातार यहां पर कैंपिंग है, उनकी मीटिंग्स भी यही होती है। और अभी लगातार सीएम जब यहां पर आए, लगातार वो वहां पर आए। प्रशांत, आपके पास क्या तस्वीरें?
तो तस्वीर हम आपके साथ लगातार साझा करें। न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर तैनात है अलग अलग सहयोगी जो अलग अलग जगहों से न सिर्फ टनल को लेकर जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन जुड़ी अपडेट भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों पर भी नजर, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत कठिन प्रक्रिया रही, इतना मशक्कत और इतनी मेहनत के बाद अब जाकर सफलता हाथ लगने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद ये माना जा रहा है कि टनल से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, एक एक कर सभी को जैसे ही बाहर लेकर आते हैं पूरी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इमरजेंसी अस्पताल भी यहां पर आप ये देखिए कि टनल के मुरहाने पर खोल दिया गया है, जिससे अगर कोई भी इमरजेंसी सुविधा स्वास्थ्य के तौर पर चाहिए होगी तो पहले से इसके लिए हमारे डॉक्टर्स तैनात हैं। मेडिकल टीम्स की तैनाती अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। फौरन मजदूरों को बाहर निकालते हुए स्ट्रेचर्स पर लिटाकर सीधे एम्बुलेंस में ले जाएंगे और एम्बुलेंस से सीधे अस्पतालों में दाखिले के लिए ले जाएंगे, चूंकि सबसे पहले स्वास्थ्य पर नजर रहेगी, मौजूदा हालात क्या है ये जानने पर नजर रहेगी। जिन्होंने खुदाई की है रेट माइनर्स, वो दो मजदूर अब टनल से बाहर आ चुके हैं, यानी कि उनका काम कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने अपने मिशन को कामयाबी तक पहुंचाया है। दो मजदूर बाहर आ चुके हैं, यानी वो लोग जो यहां रात दिन जुटे हुए थे वो अपना काम कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक इमरजेंसी हॉस्पिटल अंदर बना दिया गया है टनल में, क्योंकि जैसे ही उस तक पहुंचा जाएगा सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा कि इमीडिएटली इन्हें किस तरह के उपचार की जरूरत है, वो कितने फिट हैं इस वक्त, और प्रिकॉशन लेते हुए चश्मे भिजवाए गए, काले चश्मे भिजवाए गए हैं उन सभी के लिए, ताकि इस चकाचौंध को वो बहुत आसानी से महसूस कर सके। लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त, जब पुष्कर सिंह धामी खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी जैसे एक बड़ी कामयाबी वाकई मिली है और एक तपस्या यहां सफल होती हुई। प्रियंका, क्या और ताजा अपडेट आ रही है? तो ये तस्वीरें देखिए आप लगातार हमारे सहयोगी आप तक जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और बड़ा अपडेट प्रशांत की तरफ से ये दिया गया है कि पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये स्पष्ट करती हुई कि अब से कुछ ही देर बाद मजदूर जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे तो उनकी देखरेख के लिए भी पहले से ही प्रशासनिक अमला तैनात रहे। बॉडी लैंग्वेज ये बताती हुई कि एक बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है, जो कि तुरंत तरीके से जैसे ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से इशारा होगा ये एक एक करके अंदर जाएंगी और इनके जो तमाम लोग हैं वो जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे। आप पुलिस की चौकसी यहाँ पर देख रहे हैं, बेहद चौकस बेहद चाक चौबंद तरीके से व्यवस्था बनाए हुए यहाँ पर, अब किसी की एंट्री नहीं है। और देखें डॉक्टर्स की टीम आपको नजर आ रही है, डॉक्टर जोशी की अगुवाई में यहाँ पर लगातार बातचीत की जा रही थी। एक एक करके फिर देखिए एक और एक छोटी एम्बुलेंस जो है वो दिख रही है, जिसमें डॉक्टर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम दिख रही है और इसके अंदर सामान नजर आ रहा है, स्टेथोस्कोप कंबल वो तमाम चीजें जिनकी जरूरत उनको हो सकती है। यहाँ ये समझना होगा कि अंदर और बाहर के टेम्परेचर में भी बहुत फर्क है, बाहर की तरफ जो है वो सर्दी है, अंदर लगातार वो जितने दिनों से बंद है वहां टेम्परेचर में अलग है। इसी वजह से जिसके बाद प्रशांत कह रहे हैं एक अस्थायी हॉस्पिटल बनने की वहां पर बनाया जा रहा है, जिसपे सबसे पहले जो मजदूर आएंगे उनका शुरुआती उपचार किया जाएगा। जो लोग हैं वो एक दूसरे से गले मिलकर इस खबर को ट्रीट कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से गाड़ियों का काफिला वीआईपी स्क्वाड नजर आ रहा है। कौन अच्छा एक एक करके यहाँ पर आप जो केंद्रीय मंत्री हैं लग रहा है उनका भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। कमांडिंग ऑफिसर जो उत्तरकाशी के हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं, एक फ्लीट एक और जो है वो अंदर गया है। लेकिन फिलहाल ये तमाम लोग उसी जगह जा रहे हैं जहां पर इन सारी रणनीतियों को बनाया गया कि अब किसके साथ क्या किया जाएगा, कौन सा प्लान आगे बढ़ेगा, किसको होल्ड किया जाएगा। वहीं पर फिलहाल पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। जब पुष्कर सिंह धामी यहां से अंदर जाने लगेंगे इसका मतलब पहले मजदूर जो है वो बाहर निकल गए। ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके की तस्वीरें और इस अपडेट को लगातार आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं।